हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ में मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर एट क्वाड्रिलेटरल, तो जिसमें आपको फ्रेंड मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व करवा रहा था। तो एग्जांपल वन से थ्री तक मैं करवा चुका था, एग्जाम्पल फोर आज डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल फोर में मैंने बोला गया है, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है फ्रेंड। बोला गया टू पैरेलल लाइन एल और एम, ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। एल एम आर इंटरसेक्टेड बाई अ ट्रांसवर्सल लाइन पी, जिसको ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर, यानी कि जो मैंने रेड कलर से दिखा रखी है बाइसेक्टर है। एंगल ए का बाइसेक्टर कौन है, ए बी, सी का बाइसेक्टर कौन है, बी सी, एंड एंगल एस ए सी का बाइसेक्टर कौन है, ए डी, और एंगल ए सी आर का बाइसेक्टर कौन है, सी डी। तो इनसे जो बनने वाला जो रेड कलर का क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहा है वो क्या है, एक तरीके से रेक्टेंगल। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट है मैं उसको लिख देता हूँ, गिवन दिया है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन में गिवन है लाइन एल पैरेलल है एम के, ये लाइन इसके पैरेलल है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पी एस पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है फ्रेंड। और क्या गिवन है कि बाइसेक्टर की ए बी बी सी सी डी एंड ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी एंगल क्यू सी ए एंगल आर सी ए एंड एंगल एस ए सी, ठीक है। हिंदी में लिखूंगा मैं ए बी बी सी सी डी समद्विभाजक है, अच्छा ए बी बी सी सी डी और ए डी रह गया, ए डी समद्विभाजक है एंगल पी ए सी पी ए सी एंगल क्यू सी ए एंगल आर सी ए और एंगल एस ए सी, ठीक है फ्रेंड। ये क्या बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इनको मार्किंग दे देता हूँ, ठीक है फ्रेंड, ताकि हमें क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। मैं नंबर दे देता हूँ, इसको नंबर वन दे दिया, इसको नंबर टू दे दिया, इसे नंबर थ्री और इसे नंबर फोर, ठीक है, इसे नंबर फाइव दे दिया और इसे नंबर सिक्स, ये नंबर सेवन हो गया और ये नंबर एट हो गया, ताकि मैं इसको आसानी से समझ सकें, ठीक है फ्रेंड। तो मैं लिखूँगा एंगल एक बराबर होगा एंगल दो के, और दोनों क्या होंगे, एंगल हाफ होंगे पी ए सी के, पी ए सी के दोनों क्या हैं, हाफ है, नंबर वन मान लिया। एंगल तीन बराबर होगा एंगल चार के, दोनों क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे क्यू सी ए के, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये बाइसेक्टर हैं, ठीक है। सिमिलरली एंगल फाइव इक्वल होगा एंगल सिक्स के, और दोनों किसके इक्वल होंगे, एंगल आर सी ए के, इसको नंबर मैंने तीन मान लिया। इसी तरीके से एंगल सेवन इक्वल होगा एंगल एट के, और दोनों क्या होंगे, हाफ होगा एंगल एस ए सी के, इसको नंबर मैंने क्या मान लिया, चार मान लिया, ठीक है फ्रेंड। इस स्टेटमेंट का मतलब ये निकल कर आता है, जो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब इनका यूज़ अगर क्वेश्चन में होगा तो मैं करूँगा, ठीक है, डेफिनेटली यूज़ होगा भी। उसके बाद फ्रेंड मैंने क्या लिखा कि मेरा एंगल, फिर मैंने लिया फ्रेंड, देखो जो मेरी लाइन है ना, देखो ये इसका नाम P और S था, इसका नाम Q और R था, जिसको ये लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही थी A और C, ठीक है फ्रेंड। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, दोनों पैरेलल, इस वजह से क्या बनाएंगे, ये अल्टरनेट एंगल। क्वेश्चन में गिवन था पी एस पैरेलल किसके है, क्यू आर के, ठीक है फ्रेंड, जिसकी वजह से मेरा एंगल इक्वल होगा पी ए सी इक्वल होगा एंगल आर सी ए के। रीजन में क्या लिखूंगा मैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण, ठीक है फ्रेंड। फिर मैंने क्या काम किया, मल्टीप्लाई वन बाय टू बोथ साइड, ठीक है फ्रेंड, दोनों तरफ एक बटे दो से गुणा करने पर मैंने इसको भी 1 बाय टू से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी क्या कर दिया, 1 बाय टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है फ्रेंड। करने के बाद
फिर मैंने लिखा यूजिंग, देखो पी ए सी वन में आ रहा है तो यूजिंग वन एंड, और आर सी ए ये आ रहा थर्ड के अंदर थ्री, ठीक है, समीकरण एक और तीन से, ठीक है फ्रेंड। अब देखो पी ए सी का हाफ ये जा रहा, ठीक है, जिसको मैंने नंबर दो और एक दे रखा था, ठीक है, आर सी ए का हाफ जिसको मैंने नंबर क्या दे रखा था, फाइव और सिक्स, ठीक है। तो पी ए सी का हाफ मैं लूँगा एंगल वन को, किसको लूँगा एंगल वन को, तो मैंने ये ले लिया एंगल वन, इसकी जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया एंगल वन को, ठीक है फ्रेंड। और इसी तरीके से आर सी ए मुझे एंगल फाइव की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, फाइव की, तो आर सी ए को मैं रिप्लेस कर दूँगा एंगल फाइव के साथ, यहाँ लिख लिया मैंने एंगल फाइव, क्योंकि पी ए सी इक्वल एंगल वन के रिप्लेस हो गया, आर सी एंगल इक्वल एंगल फाइव के मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है फ्रेंड। यानी एंगल वन और फाइव दोनों के दोनों मेरे क्या हो गए, इक्वल हो गए, जिसको मैं नंबर क्या मान लेता हूँ, फाइव मान लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड, क्या मान लेता हूँ, फाइव। मानने के बाद इसका नाम है ये यहाँ पे डी। इतना होने के बाद फ्रेंड देखो फिर मैंने क्या किया कि जो मेरी लाइन है कौन सी दिखाता हूँ आपको, ये लाइन जो मेरी ए बी है मैंने इसको यहाँ लिखा, इसका नाम बी और ए, और दूसरी लाइन मेरी जो है वो ये है, इसका नाम सी और डी, ठीक है फ्रेंड। ये मेरी दो लाइन है ए बी और सी डी, इन दोनों लाइनों को ए सी इंटरसेक्ट करता है, कहाँ पर, ए पर और सी पर, इन दो जगह पे इंटरसेक्ट करता है, इसके अंदर एंगल आता है वन और इसमें एंगल आता है फाइव, जिसमें एंगल आता है वन एंड फाइव, तो मैंने लिखा फ्रॉम फाइव समीकरण पाँच से, ठीक है फ्रेंड। जो मैंने अभी अभी प्रूफ किया है, एक बराबर किसके है, फाइव के, एक बराबर है वन बराबर है फाइव के। अब मैं स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा कि लाइन ए सी इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट पॉइंट ए एंड सी, रेखा ए सी समद्विभाजक है, समद्विभाजक है ए बी, सॉरी समद्विभाजक नहीं, सॉरी कल लिख दिया मैंने, रेखा ए सी प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है ए बी और सी डी को बिंदु ए और सी पर, ठीक है फ्रेंड, जिसकी वजह से एंगल वन और फाइव क्या बनाते हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ठीक है फ्रेंड। और एकांतर कोण, ये क्वेश्चन में गिवन भी है, इक्वल भी है, ठीक है, और एकांतर कोण हमेशा पैरेलल लाइन के बीच में ही बनते हैं, जिसकी वजह से ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा, सी डी के। इसी तरीके से सिमिलरली इसी प्रकार मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि जैसे मैंने सिद्ध किया ए बी पैरेलल सी डी के है, सिमिलरली मेरा बी सी पैरेलल हो सकता है ए डी के, बी सी पैरेलल हो जाएगा ए डी के, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैंने प्रूफ कर दिया ना कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो सिमिलरली बी सी पैरेलल हो सकता है ए बी के, सॉरी ए डी के, ठीक है फ्रेंड। अगर ये हो गया, ये हो गया, इसका नाम था बी ए सी डी, मैंने प्रूफ कर दिया दो लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन भी क्या पैरेलल है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दो पेयर अगर पैरेलल प्रूफ हो जाते हैं तो क्या बन जाता, वो पैरेललोग्राम, ठीक है। इफ इन एनी क्वाड्रिलेटरल टू पेयर ऑफ अ साइड, टू पेयर ऑफ अ साइड आर पैरेलल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। किसी चतुर्भुज में यदि दो युग्म समांतर हो, समांतर हो
तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने प्रूव कर दिया कि मेरा जो पैरेललोग्राम है कौन ए बी सी डी। ठीक है फ्रेंड, पैरेललोग्राम तो कर दिया, बट क्वेश्चन में मुझे प्रूफ क्या करना था, क्वेश्चन प्रूफ करना था कि जो मेरा ये शेप है ये मेरी क्या है, रेक्टेंगल है। क्वेश्चन मुझे प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल, अभी मैंने प्रूफ किया है कि ये पैरेललोग्राम है। अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, तो फ्रेंड रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मुझे प्रूफ करना होगा कि इसका ईच एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री बनाने के लिए मैंने क्या किया, जो मेरी लाइन थी पी ए एस, पी बीच में ए था और फिर एस था। ठीक है फ्रेंड, और ये लाइन मेरी इस तरीके से कुछ जा रही थी जिसका नाम क्या था, सी, पी ए एस, और इसमें से लाइन पास हो रही थी कौन, मेरी ए सी। तो फ्रेंड ये मेरी एक लाइन के दो पेयर हो रहे हैं, दोनों का सम करूंगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री, रीजन में लीनियर पेयर। तो मैं लिखा एंगल पी ए सी प्लस एंगल एस, या सी ए एस भी ले सकते हो, या फिर हमें ले सकता हूँ एस ए सी भी ले सकते हो, या सी ए एस भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने लिख लिया एस ए सी इक्वल होगा 180 डिग्री के, रीजन में ले लिया लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हिंदी में रेखिक योग्म। ठीक है फ्रेंड, फिर मैंने क्या किया कि मल्टीप्लाई 1/2 बोथ साइड, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 1/2 ऑफ एंगल पी ए सी प्लस 1/2 ऑफ एंगल एस ए सी, 1/2 ऑफ एंगल 180। ठीक है फ्रेंड, इतना करने के बाद देखो, जैसे क्वेश्चन की शुरुआत में दे रखा था कि जो मेरा ए बी था वो बाइसेक्टर था, चलो मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे बाइसेक्टर। ठीक है, इसका नंबर 2 था, इसका नंबर 1 था, और इनका बाइसेक्टर कौन था, इनका बाइसेक्टर ए डी था, इसका नंबर 7 है और इसका नंबर 8 है। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने लिखा यूजिंग पी ए सी का हाफ। ठीक है फ्रेंड, पी ए सी का, पी ए सी का हाफ किस में आ रहा, 1 में, यूजिंग 1, एंड एस ए सी का हाफ, एस ए सी का हाफ किस में आ रहा, 4 में, लिखा 4। समीकरण 1 और 4 से। ठीक है फ्रेंड, 1 और 4 से। इतना होने पर पी ए से मुझे ज़रूरत है इसकी, एंगल 1 की, मुझे ज़रूरत है एंगल 1 की। तो पी ए सी का हाफ मैं इक्वल ले लूँगा 1 के, इसकी जगह रिप्लेस कर दूँगा एंगल 1। एस ए सी का हाफ मुझे ज़रूरत है एंगल 7 की, किसकी ज़रूरत है एंगल 7 की। तो एस ए सी का हाफ किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के, और 180 का हाफ किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। एंगल 1 और 7 दोनों को मैंने जोड़ दिया, एंगल 1 और 7 दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा मेरा एंगल बी ए डी, बी ए डी इज इक्वल टू मेरा कितना डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। फ्रेंड मैंने पहले ही प्रूफ कर रखा था ये पैरेललोग्राम है, अब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये 90 डिग्री का है बी ए डी, तो मेरा एंगल बी सी डी भी क्या होगा, इक्वल होगा, बी सी डी भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इसी तरीके से फिर मैं निकाल लूँगा एडजस्टमेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो मैं इसी तरीके से निकाल भी लूँगा एंगल बी भी मेरा कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का, और एंगल डी भी मेरा कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि सिमिलरली एंगल बी और डी भी कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का, अगर चारों एंगल 90 डिग्री के हैं और अपोजिट साइड इक्वल भी और पैरेलल भी है, तो क्या बन जाएगा ये रेक्टेंगल। हैंस प्रूव्ड ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, अतः ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें, और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, आप वीडियो को पॉज करें, बीच में से नोट कर सकते हैं कहीं से भी।
तो फ्रेंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, ओके, बाय बाय, थैंक यू।